संसद में विपक्ष अडानी पर सवाल पूछ रहा है। पीएम मोदी कोयला, सीडब्ल्यूजी, टूजी से जवाब दे रहे हैं। विपक्ष गिरती आर्थिक विकास दर पर सवाल कर रहा है। बीजेपी मनमोहन सरकार के समय की आर्थिक स्थिति की बात कर रही है। विपक्ष गैर बीजेपी शासित राज्यों को केंद्रीय जांच एजेंसियों के सहारे अस्थिर करने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहा है। पीएम मोदी इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान विपक्षी सरकारों को बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं, यानी विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसके जवाब में पीएम मोदी और बीजेपी उल्टे सवाल कर रही है। जैसे सरकार में विपक्षी दल आ गए हों। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा का जवाब आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया। पीएम के तेवर वैसे ही थे जैसे लोकसभा में, ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में पीएम के तेवर ज्यादा तीखे थे, इसलिए ना तो अडानी मुद्दे पर वो लोकसभा में कुछ बोले और ना ही राज्यसभा में। उल्टा अपनी सरकार पर लगे आरोपों के जवाब में उन्होंने नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। राज्यसभा में पीएम भाषण देते रहे तो विपक्षी दलों की ओर से भी लगातार नारेबाजी चलती रही। विपक्ष अडानी मोदी रिश्तों को लेकर नारेबाजी करता है। पीएम को इस नारेबाजी के बीच में ही धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देना पड़ा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय विपक्ष की 90 सरकारों को बर्खास्त किया गया और आज हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा में भी अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल पूछे गए, लेकिन अडानी मामले में लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के बयान के बड़े हिस्से को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। बार के बाद अब यूपी में जातिगत जनगणना की मांग तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसकी मांग कर रहे हैं। सपा इसे लेकर पूरे राज्य में जनसंपर्क अभियान की तैयारी में है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है। वहीं अब योगी सरकार के एक और मंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग पर सपा प्रमुख का समर्थन करने का ऐलान किया है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर गांव-गांव जाने की बात कही थी, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से इस मांग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। केशव मौर्य के बयान को लेकर जब योगी आदित्यनाथ से सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया कि जनगणना कैसे करानी है, ये केंद्र का विषय है, केंद्र से जो निर्देश होगा उसी तरह जनगणना होगी और केंद्र सरकार पहले ही जातिगत जनगणना का विरोध कर चुकी है। सीएम योगी जातिगत जनगणना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार में इसके पक्ष में आवाज तेज हो रही है। अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा प्रमुख की मांग का समर्थन कर दिया है। संजय निषाद ने कहा, मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातियों की विसंगति जो पिछली सरकारों ने गलत की है, हम अनुसूचित जाति में 70 लाख थे और मध्वार के नाम से गिने जाते थे, लेकिन इन लोगों ने हमें गिनते गिनते 7,000 कर दिया, हमारा नाम फर्जी पिछड़ी में डाल दिया। जबकि इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था, जातिगत जनगणना कोई आज की मांग नहीं है, अंग्रेजों ने किसी जमाने में इस पर समझौता किया और संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब जातिगत जनगणना सही पता होगी। समाजवादियों का मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। बोर्ड ने कहा कि मस्जिदों में महिलाओं के नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। बोर्ड ने ये जवाब मुस्लिम महिला और एडवोकेट फराह हुसैन शेख की याचिका पर दिया। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाएं मस्जिद में पुरुष नमाजियों के साथ या उनके बीच नहीं बैठ सकती। अगर कोई मस्जिद कमेटी महिलाओं के लिए अलग से जगह निर्धारित करती है तो महिलाएं वहां नमाज पढ़ने जा सकती हैं। बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को 5 वक्त की नमाज पढ़ने की बाध्यता नहीं है। महिला नमाज घर में पढ़े या मस्जिद में, उसे एक सफल मिलेगा। ये पुरुषों के लिए भी नहीं है कि उन्हें मस्जिद में ही जाकर नमाज पढ़नी है। बोर्ड ने आगे कहा कि वो विशेषज्ञों की संस्था है, लेकिन वो किसी धार्मिक मान्यता पर कमेंट नहीं करना चाहता है। आपको बता दें कि पुणे की वकील फराह हुसैन शेख और एक अन्य महिला ने साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि महिलाओं को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत में हुई सुनवाई में ये साफ हो गया कि अब महिलाएं भी मस्जिदों में नमाज अदा कर सकती हैं। कोर्ट में दायर हलफनामे में बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से ये भी कहा है कि अब जब भी मस्जिदों का निर्माण होगा वहां महिलाओं के लिए अलग से नमाज पढ़ने की जगह बनाई जाए।